जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण किए जाने के उद्देश्य से लगाए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, सीओ कैंट प्रभात राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आए सभी फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभाग को निर्देशित किया कि इनकी समस्याओं का समाधान 15 दिनों के भीतर करने के बाद आख्या प्रस्तुत करें। इस मौके पर कुछ मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। मंगलवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अक्सर मामले भूमि विवाद के आए थे, उसके बाद जो मामला आया पुलिस से संबंधित रहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। पिपराइज थाने से मिले हैं, आज तहसील सदर में मैं गया था जनता की शिकायतें सुनने। उसमें बहुत सी तो भूमि संबंधी विवाद, जो भूमिधर लोग हैं वो अपना खेत नपवाना चाहते हैं, तो उन सबको हम लोगों ने बता दिया। धारा 24 राजस्व संहिता की धारा है, इसके तहत आप अपना वाद दायर करके और निर्धारित सरकारी शुल्क जमा करके अपनी ज़मीन को नपवा लें, उसका जो नियमता है वो उसको वो करा लें। कुछ पुलिस से संबंधी कब्जे की शिकायतें वगैरह थी, क्या न्यायालयों के आदेश स्टे के बावजूद भी कोई कब्जा कर रहा है, ऐसे में हम लोगों ने कोतवाल साहब को वो प्रार्थना पत्र सभी को भेजे हैं कि आप इसको देख लीजिए और जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करें। मुख्य इस तरह की शिकायतें आई हैं। हाँ, कुछ लोगों के निस्तारण जो थे वो हम लोगों ने अपने तहसील दिवस के दौरान ही करा लिया।